अंदर। दोस्तों आप डीजे सॉन्ग बनाने के शौकीन हैं? अगर आप भी डीजे सॉन्ग बनाने के शौकीन हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं ये वीडियो, और इस वीडियो में आप अपने मोबाइल से ही डीजे सॉन्ग बना सकते हैं। दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है एक तो फ्री है, इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन भी मिल जाते हैं, जैसे EQ कर सकते हैं और साथ में FX भी यूज कर सकते हैं। FX में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है हमारे पास कि हम एक स्पीकर से दूसरे स्पीकर में जाके फिर वहीं पे आ सकते हैं, जिसको हम एक तरह से बोल सकते हैं कि जो एक वाह-वाह का इफेक्ट होता है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लूपिंग का भी ऑप्शन है, लूप मोड में भी आप चला सकते हैं, सिंक का ऑप्शन है, टेम्पो का ऑप्शन है, और साथ में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं अपने इस डीजे ट्रैक को, और साथ में कुछ लूप्स भी फ्री में दिए गए हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे, तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमने 200 लाइक्स का एम रखा है इस वीडियो में, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी दोस्त मिलकर 200 लाइक्स इस वीडियो में पूरा बहुत जल्द कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे सॉन्ग इंपोर्ट कर लीजिएगा। अब सॉन्ग इंपोर्ट करने के दो तरीके हैं, एक तो आप प्लस पे क्लिक करके कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पे जो आपका ये ऑप्शन है इस पे भी एक बार टच करेंगे तो आपका सॉन्ग जो है इंपोर्ट हो सकता है। तो आइए आपको दिखाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक बार टच किया मैंने, और यहाँ पे हमारे सामने एक फाइल ओपन होगी थोड़ी देर में, और आप देख सकते हैं एक फाइल ओपन हुआ जो इसी एप्लीकेशन का है, और यहाँ पे ऊपर में एक सर्च बार है जहाँ पे आप अपने डीजे सॉन्ग को सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर आपको नाम पता है तो आप यहाँ पे उसको सिंपली सर्च कर लीजिए, और एक बार टच करेंगे तो आपका सॉन्ग जो है यहाँ पे इंपोर्ट होके आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं अभी प्रोसेस में है और हमारा सॉन्ग जो है यहाँ पे इंपोर्ट होने लग चुका है। दोस्तों ये जो सॉन्ग है इसको इंपोर्ट होने में मोबाइल पे थोड़ा सा समय लेता है, कभी कभी ज़्यादा भी समय लग जाता है। जैसे मैं अभी इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ तो इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, तो हम तब तक थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा सॉन्ग यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हम इफेक्ट कैसे लगाएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ये सॉन्ग सुना देता हूँ। एक्चुअल में डीजे ट्रैक है जो बहुत ही पॉपुलर ट्रैक है, तो आइए मैं आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये डीजे ट्रैक है, और मैं आपको बताता हूं कि अब इसके अंदर हम इफेक्ट कैसे लगाएंगे। सबसे पहले तो टेम्पो के बारे में आपको बता देता हूं। दोस्तों अगर आप इसका टेम्पो घटाना या बढ़ाना चाहते हैं तो यहां से आप जो है इसको बढ़ा सकते हैं। अगर घटाना है तो ऊपर की तरफ करेंगे तो ये घटेगा, जैसे मैं आपको अभी प्ले करके दिखाता हूँ। इस तरह करके आप यहाँ पे एक तो टेम्पो का यूज कर सकते हैं। अब आता है कि इसके अंदर हम इफेक्ट कैसे लगाएंगे और कैसे EQ करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है EQ का, इस पर अगर आप टच करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन होगा। यहाँ पे अगर आप इसके साउंड को बहुत ही क्रिस्प बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको ऊपर बढ़ा सकते हैं, और लोज जो है अगर आप ऊपर बढ़ाएंगे तो इसका बेस बढ़ेगा, नीचे बढ़ाएंगे तो घटाएंगे तो बेस कटिंग होगा। तो आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। आइए मैं आपको सुनाता हूँ थोड़ा सा। देख सकते हैं आप काफी अच्छा इफेक्ट हुआ। अगर मैं इसको बंद करके सुनाऊंगा तो आप जो है इसमें डिफरेंस जो है बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे, जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूं। और इसको हम थोड़ा सा अगर बढ़ा देते हैं और इसको भी बढ़ा देते हैं तो आपको यहां पे डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तरह से आप दोस्तों एक तो EQ कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास FX का ऑप्शन। FX में आप यहां पे हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है लो पास का, जिसमें अगर आप गाने को प्ले करते हैं, प्ले करके आप राइट लेफ्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, अगर यहां से आप चाहते हैं तो इस तरह से एक साइड से दूसरे साइड में करके आप फिर वहीं ले जा सकते हैं। तो ये जो है एक तरह से आपको राइट लेफ्ट का स्पीकर में सुनाएगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। से दोस्तों आप लो पास का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको लूपिंग में भी चला सकते हैं। यहां पे आएंगे लूप मोड में तो आपके सामने ऑप्शन मिल जाएगा जहां पे आप जो है लूप मोड भी स्टार्ट कर सकते हैं यहां से, और आपका जो है गाना उतने दूर प्ले होगा जितना जितना आप लूपिंग कर रखा होगा आपने। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, तो इस तरह से आप जो है लूपिंग मोड में भी चला सकते हैं।
उसके बाद इसमें कुछ और भी ऑप्शन दिए गए हैं जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ से अगर आप एक बार टच करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। यहाँ पे सबसे पहले ये जो ऑप्शन देख रहे हैं अभी ड्रम लूप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे पास एक्चुअल में फ्री लूप्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, लूप से आप इसको यूज कर सकते हैं। ड्रम लूप पे अगर आप एक बार टच करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक फ्री बैंक का एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे वोकल भी फ्री है कुछ, और कुछ ड्रम लूप्स और डब स्टेप के ऑप्शन हमारे पास है तो जिसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे ये वाला इफेक्ट देखिए काफी अच्छा है। दोस्तों यहाँ पे और भी आपको ऑप्शन मिल जाता है वोकल में, अगर आप आएंगे तो कुछ ऑप्शन है आपने, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे लूपिंग मोड में। तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ से प्ले करेंगे और रिकॉर्ड पे क्लिक करके इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। आइए रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरह करके आप गाने को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो चलिए दोस्तों फिलहाल तो इस वीडियो को समाप्त कर देते हैं और बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो में।